अर्थ प्रकाश टीवी। चंडीगढ़ में एक नर्सरी में अफीम के 700 से ज्यादा पौधे बरामद किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने सभी पौधों को जब्त किया है। साथ ही नर्सरी के मालिक और देखरेख करने वाले माली पर भी NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों में नर्सरी मालिक के पहचान पंचकुला निवासी 50 वर्षीय समीर कालिया और नर्सरी माली की पहचान मोहाली निवासी 39 वर्षीय सिया राम के रूप में हुई है। बता दें कि चंडीगढ़ की जिस नर्सरी में अफीम के पौधे पकड़े गए हैं उस नर्सरी का नाम ब्लू मिगडेल नर्सरी है, जो कि थाना IT परक क्षेत्र के अंतर्गत किशनगढ़ चौक के नज़दीक स्थित है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस नर्सरी में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर नर्सरी में अचानक छापेमारी की और इस दौरान मौके से अफीम के 725 पौधे उखाड़कर जब्त किए गए, जिनका वजन 20 किलो 570 ग्राम था। DSP दिलशेर सिंह चंदेल ने बताया कि DCC की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिसके चलते नर्सरी के मालिक समीर कालिया और माली सियाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। वॉज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट एट इन द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड के माली है जेड़ा ओनू पता सी और माली नू जेड़े बीज सी ओहो मालक ने समीर ने दिते सी। कल्टीवेशन पंजाब च तां हो नहीं रही, जे कोई करे भी जा बाहरलियां स्टेट्स च जिद्दां मध्य प्रदेश च राजस्थान च हुंदी है जी, उहदा स्पैशल गवर्नमेंट तों परमिट लैणा पैंदा, अदरवाइज इहनूं कर नहीं सकदा। सो एट दी स्पॉट दे वर आस्क टू प्रोड्यूस एनी लाइसेंस और परमिट, ठीक है, व्हाट दे कुड नॉट प्रोड्यूस। आपको बता दें कि इस तरह की अफीम की खेती चंडीगढ़ में पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार पकड़ी गई है। इससे पहले सेक्टर 39 गुरुद्वारा में भी भारी मात्रा में अफीम की खेती पकड़ी गई थी। अब IT पार्क के पास लगती एक नर्सरी में इस तरह से अवैध रूप से खेती की जा रही थी। कानून के नियमों के अनुसार पंजाब में कहीं भी अफीम की खेती नहीं की जा सकती। यदि अगर कोई खेती करता है तो उसके पास सरकार द्वारा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।